हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट वन हिंदी और इंग्लिश और पार्ट टू हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के और कौन से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात उन पार्श्व गायिका की जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा और तमाम बड़े नामों के दबदबे के बीच अपनी एक अलग और सम्मानजनक पहचान बनाई। वो गायिका हैं हेमलता। हेमलता जी से सबसे पहले मैं सारा समय साप्ताहिक के अपने कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए अक्टूबर 2003 के पहले हफ्ते में अंधेरी पश्चिम के मिल्लत नगर के उनके बंगले पर मिला था। उसके बाद भी उनसे संपर्क बना रहा, फिर उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट किया और फिर कुछ समय पहले उनसे अपडेट्स लेने के लिए मिलना हुआ। हेमलता जी का परिवार मूल रूप से रतनगढ़ राजस्थान के शेला गांव का रहने वाला है। उनके दादा जोरावर भट्ट कोलकाता आकर जमीनों की खरीद बिक्री का कारोबार करने लगे थे। दादा की 5 संतानों में 4 बेटियां और 1 बेटा थे। हेमलता जी बताती हैं, हमारे खानदान में संगीत से किसी का भी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था, लेकिन मेरी दूसरे और चौथे नंबर की बुआएं जरूर संगीतज्ञों के परिवारों में ब्याही थी। मेरे दूसरे नंबर के फूफा पंडित बद्री प्रसाद अपने जमाने के एक जाने माने शास्त्रीय गायक थे। वो नागपुर में रहते थे जहां उनका अपना एक संगीत विद्यालय भी था। अपनी सबसे छोटी कमला बुआ के बारे में हेमलता जी कहती हैं कि बुआ की शादी मेवात के रहने वाले पंडित प्रताप नारायण जी से हुई थी जो मेवाती घराने के जाने माने गायक और वादक थे। सुलक्षणा पंडित, विजेता पंडित, जतिन और ललित मेरी इन्हीं कमला बुआ के बच्चे यानी मेरे फुफेरे भाई बहन हैं। पंडित जसराज फूफा जी के छोटे भाई थे। हेमलता जी की सबसे बड़ी बुआ की शादी एक कारोबारी परिवार में हुई थी और तीसरे नंबर की बुआ बया का ससुराल राजस्थान में ही था। हेमलता जी बताती हैं, बंटवारे में बया बुआ का गांव पाकिस्तान में चला गया। वो इलाका इतना शांत था कि बया बुआ को पाकिस्तान बनने का पता तब चला जब उन्होंने मायके आकर भाई बहनों से मिलना चाहा और उनसे वीजा बनवाने को कहा गया। उस रोज वो बहुत रोई थी और देश के टुकड़े करवाने वालों को उन्होंने जी भर के गालियां और बद्दुआएं दी थी। बाद में बुआ का परिवार डेरा इस्माइल खां में जाकर बस गया था। हेमलता जी के दादा चाहते थे कि उनका बेटा यानी हेमलता के पिता कारोबार में उनका हाथ बटाए, लेकिन कारोबार में हेमलता जी के पिता की जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका झुकाव शास्त्रीय संगीत की तरफ था। अपने पिता के दबावों से बचकर वो लाहौर गए और उस्ताद बहरे खान साहब के शागिर्द हो गए। लाहौर में कई साल बिताने के बाद जब वो वापस लौटे तब तक उनके पिता यानी हेमलता के दादा गुजर चुके थे। उनकी शादी हुई, पत्नी यानी हेमलता की माँ अंबिका महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली थी। मूलतः जोधपुर के रहने वाले हेमलता के नाना भी संगीत के विद्वान और गुरु थे। हैदराबाद रियासत से जुड़े नवाब यार अली जंग हेमलता जी के पिता के दोस्त और प्रशंसक थे और उन्हें अक्सर अपने यहाँ कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में हेमलता जी के पिता को पत्नी की स्थिति को देखते हुए उन्हें भी साथ लेकर हैदराबाद जाना पड़ा, जहाँ 16 अगस्त 1954 को हेमलता जी का जन्म हुआ। ननिहाल में और अपने घर में दोनों ही जगह संगीत का माहौल होने की वजह से हेमलता जी का भी झुकाव इस ओर होना स्वाभाविक ही था, लेकिन उन दिनों लड़कियों को सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित रखा जाता था और यही सब हेमलता जी के साथ भी था। हेमलता जी बताती हैं, मैंने जितना भी सीखा एक लव्य की तरह सुन सुन कर सीखा। पिताजी से छिप छिप कर रेडियो सुनती थी, दुर्गा पंडाल में गाती थी। पिताजी जब अपने शिष्यों को सिखाते थे
तो घर का काम करते समय भी मेरे कान उन्हीं की ओर लगे रहते थे। इस तरह मैं पिताजी को सुन सुनकर ही कई राग रागिनियां सीख गई थी। संगीतकार रविंद्र जैन भी पिताजी के ही शिष्य थे। 1960 के दशक की शुरुआत में कोलकाता में एक म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर और सुबीर सेन जैसे दिग्गज पहली बार एक साथ मंच पर आने वाले थे। आयोजकों ने हेमलता जी के पिता को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया। उनमें शामिल पिताजी के शिष्य हेमलता जी की प्रतिभा के बारे में जानते थे। तय योजना के अनुसार उन्होंने इंटरवल में हेमलता जी को बेबी लता के नाम से मंच पर खड़ा कर दिया। हेमलता जी बताती हैं, मैंने लता मंगेशकर का गाया गीत जागो मोहन प्यारे गाया और फिर दर्शकों की मांग पर मुझे एक के बाद एक 12 गीत गाने पड़े। अचानक ही मुझे मंच पर गाता देख पहले तो पिताजी सकते में आ गए, लेकिन जब मैं मंच से उतरी तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और फिर अपने शिष्यों के दबाव के आगे झुककर वो मुझे शास्त्रीय गायन सिखाने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी। साल 1966 में माँ पिताजी हम चारों बच्चों, मुझे और मेरे तीनों छोटे भाइयों को साथ लेकर कमला बुआ के घर मुंबई आए। हम मुंबई घूमे, पिताजी के साथ उनके करीबी दोस्तों उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अमीर खां, पंडित भीमसेन जोशी और प्रताप नारायण फूफा जी के छोटे भाई पंडित जसराज जी से मिलने गए। उन सभी ने मेरा गाना सुनकर बहुत तारीफ की। अल्लाह रखा खान साहब के जरिए मैं नौशाद साहब से मिली। उन्होंने मुझसे अपनी अगली फिल्म में गवाने का वादा किया, लेकिन उनकी शर्त थी कि अगले 5 सालों तक मैं किसी और के लिए नहीं गाऊंगी। नौशाद साहब की नई देन के नाम से अखबारों में मेरे बारे में छपा तो तमाम संगीतकारों के मन में उत्सुकता पैदा हुई। मुझे गाने के ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन नौशाद साहब की शर्त की वजह से मुझे वो सब ऑफर्स ठुकराने पड़े। लोगों ने हेमलता जी को समझाया कि ऐसे में तो तुम अगले 5 सालों में सभी को नाराज कर चुकी होगी। उधर हेमलता जी का नौशाद साहब के संगीत में गाने का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मजबूरन हेमलता जी को नौशाद साहब की शर्त तोड़ देनी पड़ी। हेमलता जी की पहले ही दिन 2 रिकॉर्डिंग्स हुई। सुबह उषा खन्ना के संगीत में फिल्म एक फूल एक भूल का 10 पैसे में राम ले लो और शाम को कल्याण जी आनंद जी के संगीत में फिल्म विश्वास का ले चल मेरे जीवन साथी। और इस तरह साल 1967 में इन 2 गीतों से हेमलता जी के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई। एक फूल एक भूल साल 1968 में और विश्वास 1969 में रिलीज हुई थी। अगले 7-8 सालों में हेमलता जी ने 500 से भी ज्यादा गीत रिकॉर्ड कराए। वो कहती हैं, इन गीतों को गाकर मेरी आवाज में परिपक्वता आई, मुझे फिल्मी गीतों की रिकॉर्डिंग की जरूरतों, तौर तरीकों और बारीकियों का पता चला। मेरी आवाज की परिपक्वता रविंद्र जैन की साल 1976 की फिल्म फकीरा के शीर्षक गीत फकीरा चल चला चल में नजर आई। इस सुपरहिट गीत ने मेरे करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस गीत को सुनकर पिताजी ने कहा था, नौशाद साहब की 5 साल वाली शर्त गलत नहीं थी, यही वो पहला गीत है जिसमें माइक के साथ तुम्हारे सही बर्ताव और मजबूत रिश्ते का पता चलता है। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में हेमलता जी को कई बेहतरीन गीत गाने को मिले। साल 1976 की फिल्म चितचोर के गीत तू जो मेरे सुर में सुर मिलाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। हेमलता जी के भाइयों में बड़े विनोद भट्ट उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के शिष्य रहे। वो एक बेहतरीन तबला वादक हैं। उनकी पत्नी संगीतकार शंभू सेन की बेटी और समीर सेन की बहन है। मंजले भाई गोपाल भट्ट की संगीत में कभी कोई रुचि नहीं रही, वो एक सफल व्यवसायी हैं। और तीसरे और सबसे छोटे भाई ऋषभ भट्ट एक संगीतकार हैं। हेमलता जी की शादी साल 1973 में 19 साल की उम्र में हुई थी। उनके पति योगेश बाली गीता बाली की बहन हरदर्शन कौर के बेटे थे। हरदर्शन कौर ने साल 1952 की रागरंग और साल 1953 की बाज जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। हेमलता जी के ससुर जसवंत एक अभिनेता थे।
अभिनेत्री योगिता बाली इन्हीं हरदर्शन कौर और जसवंत की बेटी और हेमलता की ननंद है। हेमलता जी के पिता का निधन 13 अगस्त 1981 को हुआ। वो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में रह गई अपनी बहन बया से मिल नहीं पाए। उन्होंने हेमलता जी से वचन लिया कि वो अपनी बया बुआ से मिलेंगी और उन्हें बताएंगी कि तेरा भाई तुझे याद करता करता इस दुनिया से चला गया। हेमलता जी कहती हैं, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं पिताजी को दिया गया वचन पूरा करने में सफल रही। दरअसल साल 1994 में हेमलता जी एक कार्यक्रम के सिलसिले में पाकिस्तान गईं तो मशहूर गायिका रेशमा ने उनकी बुआ को डेरा इस्माइल खान से लाहौर अपने घर पर बुलाकर हेमलता जी को उनसे मिलवाया। हेमलता जी बताती हैं, रेशमा एक हिंदू बंजारा राजपूत परिवार से थी। बुआ के बेटे रमेश भाई की शादी रेशमा की छोटी बहन से हुई थी। मैंने पिताजी का संदेश बुआ तक पहुंचाया तो वो देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही। हेमलता जी जैसे जैसे फिल्म संगीत के क्षेत्र में अपनी जगह बनाती रही वैसे वैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाने लगे। वो कहती हैं, फिल्म अखियों के झरोखों से कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को काफी समय तक बाजार में पहुंचने ही नहीं दिया गया। शुरुआती दौर में हजारों रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया था। राज साहब ने डिस्ट्रीब्यूटरों की मौजूदगी में घोषणा की थी कि उनकी अगली फिल्म हिना में सिर्फ मैं ही गाऊंगी, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही उनका निधन हो गया और साथ ही मैं भी फिल्म से बाहर हो गई। आरडी बर्मन, जिनके स्टेज शो में मैं अक्सर हिस्सा लेती थी, फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए मुझे ढूंढते रहे, लेकिन कभी मेरी तबीयत का बहाना बनाकर या कभी ये कहकर कि मैं गाना छोड़ चुकी हूं, उन्हें मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इसके बावजूद मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मेरे आने के साथ ही पार्श्व गायन के क्षेत्र में बरसों से चला आ रहा एकाधिकार टूटने लगा था और मेरे बाद भी कई नई आवाजों ने अपनी पहचान बनाई। हेमलता जी तो किसी पर सीधा आरोप लगाने से बचती रहीं, लेकिन जानकार लोग बताते हैं कि 1980 के दशक के मध्य में हेमलता जी और रविंद्र जैन साहब के संबंधों में खटास आने लगी थी और यही हेमलता जी के हिना और 1942 अ लव स्टोरी से बाहर होने की वजह बनी। साल 1983 में हेमलता जी के बेटे आदित्य का जन्म हुआ। बेटा 5 साल का था कि 5 जनवरी 1988 को हेमलता जी के पति का 34 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। हेमलता जी बताती हैं, बेटे आदित्य और बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, जिसे मैंने जी जान से निभाया। बीच बीच में मैं गाती भी रही, लेकिन पारिवारिक व्यस्तताओं का असर मेरे करियर पर पड़ना भी स्वाभाविक ही था। हेमलता जी की सास 2001 में और ससुर 2002 में गुजरे। तब तक हेमलता जी फिल्मों से लगभग दूर ही हो चुकी थी। ऐसे में सिख संगत के बुलावे पर उन्होंने कुछ साल अमेरिका में रहकर वहां के गुरुद्वारों में रागियों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी और फिर वापस मुंबई लौट आई। हेमलता जी आज अपने बहु बेटे के साथ रहकर सेवानिवृत्त जीवन जी रही हैं, लेकिन उनकी संगीत साधना, उनका रियाज आज भी जारी है। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की जानी मानी पार्श्व गायिका हेमलता की। हेमलता जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 117 की, जिसमें होंगे बीते दौर के जाने माने संगीतकार एस मोहिंदर। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम।